आज की शाम बहुत ही स्पेशल है. एम आई ऑडिबल? या आज की शाम बहुत ही स्पेशल है और जैसे कि हम सबको पता है आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, तो इसलिए मैं फर्स्ट टाइम कोई अवार्ड शो में साड़ी पहन के आई हूँ. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट. दैट्स इट. Class of 2020 season 2 is coming soon, and then I will start shooting for one of all Balaji's project also. So yeah, that's it. Are you feeling proud on this red carpet, like Dada Saheb Phalke is father of? Proud, and I'm feeling very very special to be here. Yeah, I'm really excited. साड़ी एक्चुअली आजकल हम लोग साड़ी पहनते ही नहीं हैं, और मेरी मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो आज स्पेशल मोमेंट था तो मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ. Award that recognizes the outstanding. बेसिकली मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, इतनी इज्जत अफजाई उन्होंने दी है. बट आई वुड एक्सेप्ट दिस एज अ रिस्पेक्ट फॉर माई फादर हु वॉज महमूद साहब एंड ही वॉज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. सो यू नो दे आर द पीपल हु जिन्होंने इंडस्ट्री को, और दादा साहेब फाल्के द मोस्ट प्रेस्टीजियस फिल्म अवार्ड इन इंडिया. तो कभी कभी हो जाता है, मेरी गलती नहीं है, मगर या वी आर रिलीजिंग एन एल्बम, आई मीन अ वीडियो सून विद अ सॉन्ग. मुझे बहुत सालों बाद अपने करियर में एक ऐसा मौका मिला एक ऐसे किरदार को निभाने के लिए जो सिर्फ एक आइकॉनिक फिगर ही नहीं है, लेकिन आई थिंक हर अभिनेत्री के लिए एक ड्रीम रोल है. और लॉकडाउन में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, बहुत सारे रीजंस के लिए इस फिल्म के बारे में चर्चा हुई थी. पहली बार थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ हुई थी, पहली फिल्म थी लॉकडाउन में शूट करने के लिए. तो आई थिंक बेल बॉटम हैज़ हैड अ लॉट ऑफ फर्स्ट्स, एंड आई होप कि इस साल के पहले अवार्ड फंक्शन में भी हम एक अवार्ड जीतें और जाएं, एक नहीं कई अवार्ड जीतें और जाएं. एंड या आई होप दैट आई कैन ऐड टू इट. थैंक यू. अनदर टाइम, नॉट टुडे.
क्या भाई? सर, दादा साहब फाल्के प्रेस्टीजियस अवार्ड जो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, क्या कहना चाहेंगे सर? कितना प्राउड होता है ये रेड कार्पेट पे वॉक करना? बहुत बड़ा सम्मान है ये, और मुझे भी टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया जा रहा है मैं तो इतने साल की सेवा के लिए, बहुत बड़ा सम्मान है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड जो है फिल्म, ये हमेशा बड़ा प्रचलित रहा है, और कोरोना के टाइम भी एक्चुअली अवार्ड दिए गए हैं असल में लास्ट ईयर भी, और ये अवार्ड का होना स्पेशली अब कोरोना थोड़ा सा अपने ज़रा गति धीरी कर रहा है, तो ये फिजिकल अवार्ड्स होने एक सराहनीय स्टेप है, ताकि हम लोग थोड़े बाहर निकलें और हमने जो काम किया है उसके लिए जो है हमको अगर सराहा जाए तो हमको बड़ी खुशी होगी। कागज़ फिल्म जो है वो क्योंकि इस साल रिलीज़ हुई थी, जो मैंने प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की, एक्ट भी किया था, और सलमान खान ने प्रेजेंट की थी, तो वो फिल्म जो है बहुत से अवार्ड्स में गई है, तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। बट इट इज़ ऑलवेज एन वेरी यू नो, आपको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है जब इस तरह के अवार्ड्स होते हैं। यस, बहुत चीज़ें आ रही हैं, बहुत सी वेब सीरीज़ आएंगी, एज एन एक्टर आएंगी बहुत, अभी ब्लडी ब्रदर्स जो है अप्लॉज का है Z5 पे आने वाला है असल में, फिर एक अमेजोन का शो आने वाला है, नेटफ्लिक्स का शो आने वाला है, यू नो, और फिल्में आने वाली हैं, कम देना फिल्में आने वाली है, शर्मा जी नमकीन जो ऋषि कपूर जी के साथ मैंने की थी, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स कमिंग, वेरी इंटरेस्टिंग ईयर अहेड, 2022 इज गोइंग टू बी रॉकिंग। थैंक यू। Hello. Should I let Mama Papa go first? Hello. Okay, hi. Yes. I'm also getting an award tonight. I feel very honored. I feel very grateful to be receiving an award as the most promising actress for Paglet. I think this is the biggest honor, and I'm so happy because my parents are here in town. They came all the way from Delhi today just to see me receiving this award. I feel extremely grateful. I feel really good. I feel very happy that slowly things are opening up. Obviously, we have to be very careful. Also, make sure that all of us are like following all the protocols. But otherwise, I feel very nice to be seeing all of you and meeting you guys in person. Zoom pe nahi ho raha hai, ye dekhkar khushi ho rahi hai. Hanji, hi, kaise ho aap?
थैंक यू सर. 5 दिन में लव हॉस्टल रिलीज हो रही है Z5 पर और 25th को मेरा बर्थडे भी है. थैंक यू. और 30th बर्थडे है तो आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक लव हॉस्टल. आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट टू वर्क विद विक्रांत एंड बॉबी जी. ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी दैट दृश्यम एंड रेड चिलीज इज बैकिंग अ फिल्म लाइक लव हॉस्टल. सो आई फील रियली ग्रेटफुल एंड हैप्पी. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि सब देखेंगे और आई एम जस्ट होपिंग सबको अच्छी लगे. हाँ बहुत अच्छा रहा. हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उनकी मैं फ़ैन हूँ और अभी तक हूँ. काम करने के बाद भी वो फ़ैन वाला चीज़ अभी तक गई नहीं है. आई होप चली जाए. थैंक यू. दिस इज़ आई एम वेयरिंग शांतनु निखिल टुनाइट और आई एम वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी. रेड कार्पेट पे रेड गाउन रेड लहंगा सॉरी. थैंक यू. Thank you so much. And I pray that the legacy that they've given us continues to inspire us to excel and be their soldiers. Yes, thank you. Thank you so much. जी अरे मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ. बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए. जैसे आपने कहा मेरा पहला अवार्ड है तो डेफिनेटली बहुत ही खुश हूँ. जी 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 नेक्स्ट उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ. डेफिनेटली एक अनाउंसमेंट जल्दी देंगे तो हाँ अभी तक कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ आएगा. काफ़ी 2-3 पिक्चरें हैं एक्शन रोमांटिक तो जब अनाउंसमेंट देंगे तो आपको पता चलेगा. जी जी डेफिनेटली यू नो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है तो यू नो टू विन इट एज माई फर्स्ट अवार्ड डेफिनेटली मीन्स अ लॉट टू मी. परफेक्ट थैंक यू. जी ब्लैक व्हाइट कॉम्बिनेशन नॉर्मल सूट परफेक्ट. चलो थैंक यू. अच्छा and messaged her but yeah. I think so she messaged her. Auntie dekhe first card sir yahan dekhiye sir yahan pe dekhiye yahan pe thank you sir sir idhar Sandeep ji wo video ke liye sir shorta daniyon se swagat abhinandan Thank you.
थैंक यू थैंक यू बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए ये अवार्ड क्योंकि जो दादा साहेब फाल्के जो नेशनल अवार्ड्स हुए थे अकेडमी अवार्ड्स वो पापा ने जीता था और पापा ने जीतने के बाद आज मुझे ये मिल रहा है तो अच्छा है कि पापा जाते वक्त मैंने उनको बोला था पापा आपने जीता अब मैं जीत रही हूँ तो उन्होंने कहा हाँ पहले मैं मम्मी ने भी बोला कि पहले बाप ने जीता अब बेटी जीत रही है तो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है थैंक यू सो मच मेरा लुक मैं नेशनल हमारे नेशनल आउटफिट में हूँ साड़ी जो मुझे बहुत पसंद है आई ऑलवेज लव और बाकी मुझे नहीं पता मेरे लुक का मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट KGF 2 रिलीज़ हो जाएगी आई थिंक 14 अप्रैल को मेहनत की है हमने आई होप आप लोग को पसंद आए थैंक यू ओके Hello, hello, hi. Congratulations, well deserved. Thank you. चलो आपको अंदर बताऊँ क्या है? Hello. जी. बहुत अच्छा लग रहा है. I think ये एक award show है जिसमें काफी history है और बहुत ही prestigious हस्ती के ऊपर है. तो we're very excited to be here and promote cinema and promote movie. जी 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 बहुत बड़ी गर्व की बात है बहुत एक्साइटेड है हम एज ए टीम हमारी पूरी शेरशाह टीम आज हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है और यहाँ पे जो हमारी पिक्चर को प्यार मिल रहा है रिकग्निशन मिल रही है हम उससे चाहते हैं कि यार जो जितनी लोगों ने मेहनत करी है आई विश माई डायरेक्टर वॉज हियर हमारा पूरा क्रू होता बाकी सब लोग होते बट मैं हूँ और थोड़े और लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनकी मेहनत जो उन्होंने करी है लोग उनको रियलाइज़ हो कि अच्छा काम किए और यहाँ पे लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ शेरशाह जो कहानी थी इससे मैं बहुत सालों से इन्वॉल्व था और अब जब ऐसा रिजल्ट मिलता है तो आप बहुत खुश होते हो तो आगे जाके गॉड विलिंग ऐसी और पिक्चरें करेंगे कोशिश मेरी हमेशा यही रही है कि एक मजबूत कहानी के साथ एक अच्छा हीरोइक रोल करें तो बट अगेन कैप्टन विक्रम बत्रा एक ही थे तो उन पर ये कहानी बन गई है अभी आगे देखते हैं किस पर बनती है थैंक यू गाइस चीयर्स What's up? Thank you. Sorry sir, आवाज़ नहीं आ रही क्या बोल रहे जी जी आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए जब उसको एक अवार्ड मिलता है तो खुशी होता है हम लोग जब फिल्म बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा काम को अप्रिशिएट मिले और जब ऑडियंस से प्यार मिलता है और एक दादा साहब फाल्के जैसा एक प्रेस्टीजियस अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही फीलिंग होता है आई थिंक काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आज काम की तारीफ हो रही है और फाइनली घर एक अवार्ड लेके जा सकते हैं सर तैयारी चल रही है जैसे ही मेरे को ग्रीन लाइट मिल जाएगा आपको बताने का मैं ज़रूर बताऊँगा जी
सॉरी सर, मैं सारे जॉनर है बट एक्शन वापस एक होगा, वापस एक्शन एंड काफ़ी चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बट आई थिंक नेक्स्ट जॉन एक्शन ही है जी। सर बेस्ट एक्टर एंड नेगेटिव रोल जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू जी जी। मेरे लिए ब्लैक थोड़ा लकी कलर साबित हुआ है, वो अंतिम में मैंने सेकंड हाफ में पूरे फिल्म में ब्लैक ही पहना था तो मुझे लगा कि अवार्ड ले रहा है तो ब्लैक ही पहनना चाहिए जी जी। Nervous and I'm also at the same time very excited. I'm very happy for my friends, family, my followers who had wished this for me. I'm very excited and happy for them. I think you can see it on my face. I'm really, you know, I've never been like this on a red carpet. I'm always jumpy and joyous. Today I can't believe this is happening, and I'm emotional at the same time, and I'm very nervous at the same time. शादी के बाद मुझे यहाँ बुला लिया गया, सो आई थिंक चेंजेस ये आए कि आई हैव जस्ट गॉटन लकी। आई नो आई डोंट यूजुअली ड्रेस अप लाइक दिस। आज मैंने अपने यहाँ के प्रेजेंस के लिए डिसाइड किया कि आई शुड वेयर समथिंग इन सिल्क एंड इंडियन अटायर, एंड माय होल लुक इज ब्रॉट टुगेदर बाय The whole look is brought together by Neha Advik Mahajan. Thank you. My upcoming projects are the ads and music videos that I keep doing, and what is upcoming every day is Kundli Bhagya. Okay. Is Allu Arjun here? Hi. Yes. I'm feeling very proud. Feeling very proud, of course, representing the family here. और मेरी बहन का शो भी लॉन्च हुआ है Z5 पे, so supporting her and encouraging her. नहीं यार, नो एक्सपेक्टेशंस, जस्ट हियर टू हैव फन एंड एक्सपीरियंस ऑल द लव, दैट्स इट। सॉरी आई कांट हियर यू। हाँ यार, मेरे दो फिल्म आ रहे हैं, आँख में चोली और निकम्मा, थिएटर्स में दिस समर, सो प्लीज वॉच आउट फॉर दैट, थैंक यू।
Actress India here. I'm so happy, and this is my second time I'm coming for Dada Saheb Phalke Awards. And I have been part of Tamil, Malayalam, and Kannada movies so far. I finished 32 movies in my film career, so I'm so happy to be a part of Dada Saheb Phalke Awards today. And I wish all the awardees all the great luck and all the best to all the winners today. And I hope that for my movie like Vaagai Sudava, which is a Tamil film, and I got a national award and it got recognition in North India also. So I hope that I can work in like any pan-Indian movies and Hindi movies very soon. So I'm so privileged and happy to be here, and I'm super excited to meet my team, Pushpa and Maitri Entertainments here, which it's been long time that all the celebrities are united, and in pandemic situation we missed this kind of events and all a lot. So I'm super excited and happy to be here once again. I hope you all are enjoying the event today. Thank you and love you all. Bye. Thank you so much. थैंक यू. यस थैंक यू सो मच. नहीं बहुत ही इमोशनल और ओवरवेलमिंग मोमेंट है, और ये ऐसी पिक्चर के लिए जो मैंने कहा बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. बहुत साल लगे इसको बनाने में, और एक ही कैप्टन विक्रम बत्रा है. और ये अगेन मैं अपने पूरी टीम को, हमारे डायरेक्टर विष्णुवर्धन जी, हमारे प्रोड्यूसर करण जौहर जी, अपूर्वा, कियारा अडवाणी, शबीर भाई, एंड द कंप्लीट कास्ट एंड क्रू ऑफ शेरशाह, इन सब उनके लिए है. और ये भी हमारी एक और हमारी कास्ट आ गई है. Center.
बहुत ही बड़ा ऑनर है दैट मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है एंड एंड यू नो आई मीन आई फील लाइक मे बी आई हैव कम अ लॉन्ग वे इन माय करियर कि आज मुझे नॉमिनेट किया गया है मेरे एक अवार्ड के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए सो वेरी लकी एंड थैंकफुल एक्चुअली एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है क्योंकि हम लोग इतना रोज़ बहुत मेहनत करते हैं हम सब मेहनत करते हैं एंड एक्चुअली उसके लिए अगर आपको एक अप्रिसिएशन मिलता है एक अवार्ड मिलता है तो एक और पुश होती है सो जो बहुत सी चीज़ें जो हमें लगता है कभी कभी कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है उसको यू नो उसको साइड में रख के फिर आगे बढ़ने की और एक हिम्मत आती है एक्चुअली अभी मेरा जो एक गाना आया उस पर सारी दुनिया झूम रही है पुष्पा में वो बोलेगा एंड अभी एक और जी के साथ रोल रोल एक सिंगल आया है जो अभी हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं एंड अगले महीने भी बहुत स्पेशल गाना आ रहा है एक बहुत स्पेशल मूवी में नहीं बट बहुत ही स्पेशल मूवी है और बहुत ही स्पेशल गाना है मेरे अपने लेबल का आउटफिट है मैं लखनऊ की हूँ तो मैं चिकनकारी में डील करती हूँ बिकॉज हम लखनऊ की जो लड़कियाँ हैं उनको वर्कर्स को काम देते हैं सो मैं अपने लेबल का आउटफिट पहनी हूँ आपको यहाँ सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा बड़ा मजा आता है बिकॉज कुछ रील्स बड़े फनी होते हैं एंड स्पेशली अंकल जीज अपने रूम में जो पेट निकाल के यू नो डांस करते हैं तो बड़ा मजा आता है देख कर सो आई मीन आई थिंक इट्स अमेजिंग आई थिंक हमारा जॉब बहुत ही स्पेशल है एंड
भगवान ने हमें आवाज़ दी है, यही बहुत बड़ी बात है. थैंक यू एंड आई होप यू वेल. बाइट्स करके आ जाती हूँ. थैंक यू. आई थिंक आज तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है क्योंकि ये फिल्म हम सबकी है एक्चुअली, बिकॉज वी टेकन दिस स्टोरी एंड एवरीबडी फील्स. आई थिंक जहाँ भी मैं जाती हूँ सभी को लगता है कि मैं कैप्टन विक्रम बत्रा, मैं डिम्पल को जानती हूँ, और वो जो अपनापन सा लगता है यू नो थ्रू अस पीपल हैव फेल्ट दैट विद फॉर देम. सो लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. और इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड इतनी स्पेशल फिल्म के लिए मिलना इज जस्ट वॉट टू से, आई एम वेरी हैप्पी एंड जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. बहुत ही ज़्यादा. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑलवेज स्पेशल व्हेन यू गेट एन अवार्ड. इट्स ऑलवेज मोटिवेटिंग एंड इनकरेजिंग यू नो टू बी ऑनर्ड एंड विद सच एंड बी अप्रिशिएटेड स्पेशली ऑन सच अ प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म. लेकिन आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ. ये मेरा सेकंड अवार्ड है दादा साहेब फाल्के से. लास्ट ईयर भी हम सब बात कर रहे थे फॉर गिल्टी और इस साल फॉर शेरशाह. आई थिंक इट्स जस्ट इट्स वेरी मोटिवेटिंग. आई होप नेक्स्ट ईयर एंड द ईयर्स टू फॉलो आई कीप बीइंग एबल टू शेयर माय लव विद यू थ्रू माय वर्क एंड रिसीव दैट सेम लव व्हिच आई लुक फॉरवर्ड टू. उसके बारे में क्या बताऊँ, बस आप लोग के लिए ही सज धज के आई हूँ आज. थैंक यू. चलो थैंक यू गाइस. थैंक यू. चलो 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 चलो. आपको सब पता है. Anyone wants to ask anything, I can carry on. I know. बहुत अमेजिंग फील हो रहा है एक्चुअली. इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है और इनने मुझे कंसिडर किया है. आई फील ऑनर्ड, आई फील हम्बल्ड. हर एक्टर को, हर अभिनेता को ये बात बहुत पसंद आती है कि उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए, और जब ऐसा होता है तो बहुत अच्छा लगता है. सो आई एम फीलिंग अमेजिंग. अब मैं एक्टर हूँ तो एक्टर में ही होगा. आई डोंट नो द एग्जैक्ट कैटेगरी, बट एक्टर से ही रिलेटेड होगा. पहली बार आफ्टर लॉकडाउन दादा साहेब फाल्के अवार्ड मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज तक मुझे नहीं मिला है, और फर्स्ट टाइम मैं आई थिंक इस लेवल पे मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है. सो आई एम वेरी हैप्पी. राजन सर के साथ स्टार भारत के लिए कुछ कर रहा हूँ मैं, एंड फ्यू म्यूजिक वीडियोज हियर एंड देयर, और एक शॉर्ट फिल्म भी आ रही है. छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, होपफुली आपको आगे भी एंटरटेन करते रहेंगे. शॉर्ट फिल्म के बारे में सस्पेंस थ्रिलर कुछ अलग है. मैंने भी आज तक कोई ऐसा कैरेक्टर किया नहीं है, बहुत ग्रे शेड में है कैरेक्टर. मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था, तो होपफुली लोगों को पसंद आएगा. जल्दी आई गेस कल उसका टीजर आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा. And the other project which I was talking about is Wo Toh Hai Albela. I'm very excited. I guess I'm in character right now. मैं occasion के हिसाब से dressed up नहीं हूँ, because directly shoot से आ रहा हूँ. So sorry for that.
थैंक यू। क्या बात है, नहीं 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 डर गए मॉर्निंग फ्लाइट मेरे तो आई नो मेरा भी जल्दी हो रहा है, जल्दी उठना है। तो सही ना, वेट कर देंगे और यू कहे कि जो आपका कैरेक्टर है सर एक बार सर हमारे डायरेक्टर है सर कैरेक्टर को शेप दे रहे हैं और हम इतनी देर से मतलब काफी देर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पूरा दिन से Thank you so much. It's a really special moment because it's the best actor award and I think kabhi na kabhi aap soch rahe hote hain ki trophy aapke haath mein aayegi aur ab jab aayi hai I'm just speechless and I feel really grateful. बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि इतने सालों से चला आ रहा है एंड इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरे लिए एंड द वे दे गिव अवार्ड्स टू सो मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑल द जॉनर्स बी टेलीविजन वेब मूवीज इट्स अमेजिंग टू सी दैट एंड आई ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड व्हेन आई कम हियर व्हेन आई सी पीपल सॉरी Okay, so right now I'm shooting for Omi Adajania series. The name is not yet out, and I'm shooting for Vishal sir's Kutte. Asman is directing it, and there are a few more projects which I've finished and I'm yet to start. All I can say is that I can promise you guys that you're gonna see me in different shades, and I hope I'm able to entertain you. And yeah, that is it. Done? Come from.
थैंक यू. वेल इट्स एन ऑनर बीइंग हियर. इट फील्स वेरी स्पेशल एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर द होल टीम. पूरी टीम ने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, द स्वेट ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, और बहुत पैशनेट थे. So it's for them, it's their journey as well. So to Vivek, PD and the whole team, part of this movie, I want to dedicate this to them. हाँ मैं comfortable हूँ यार इस outfit पे और well to respect this occasion I think it suited it and yeah I feel good wearing it, that's it. कॉमेडी अंदाज में आँख में छोली फिल्म आ रही है 13th पे तो थिएटर्स में आएगी तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए. थैंक यू. मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि इतने प्रेस्टीजियस अवार्ड फंक्शन पे हमें हमारा ट्रेलर को डेब्यू करने मिला, हमें हमारा टीज़र दिखाने मिला और शोकेस करने को मिला. तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल टू बी हियर. वो तो अभी आप पहले मेरी अभी शो रिलीज हुई है तो आप सब लोग आई रियली रियली होप मिथ्या को देखें और मेरी एक अनकन्वेंशनल जो स्टार्ट हुई है उसे पसंद करें. I have loved my experience with Mithya. I can't be happier to have a start like this, to be able to make my mark in the industry with something so exciting and with the lovely cast and crew that I've worked with. It's the month of love and I'm representing that. Thank you. Thank you. Best playback single female. अब आगे और ज़्यादा मेहनत करनी है जिससे कि और अमेजिंग गाने आए एंड आप लोग सब डांस करें. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू. यू नीड फोटोज़ हियर. कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने बताया
कि दिस इज़ माई फर्स्ट बिग अवार्ड, फर्स्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड दैट आई एम गेटिंग इन माई एंटायर करियर ऑफ 22 ईयर्स एक्चुअली, एंड 7 साल का ब्रेक बीच में नहीं काउंट करो तो 22 ईयर्स होता है, लेकिन या सो दिस इज़ माई टेक्निकली माई फर्स्ट बिग रिकग्निशन दैट आई हैव गॉटन. बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. यू फील वेरी हम्बल, यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड, एंड यू फील वेरी ग्रेटफुल टू द मेकर्स, टू ऑल द पीपल हु आर लविंग दिस शो, टू ऑल द पीपल हु आर सपोर्टिंग मी, टू माई हस्बैंड, माई फैमिली. बिकॉज आप जब एक डेली सोप करते हो तो आपको फैमिली के लिए समय नहीं मिल पाता, एंड मेकर्स ने इतना भरोसा किया है, फैंस जो हैं वो सारे इतना प्यार देते हैं, रोज़ जो हौसला अफजाई करते हैं, इट जस्ट फील सो गुड, ऑनर्ड. विश्वास नहीं होता, ऐसा लगता है कि कोई सपना देख रही हूँ और मैं इससे आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस ड्रीम, मैं इस सपने से नहीं जागना चाहती. वो जो उनको पूछना था ना, राजन शाही जो गए उनसे पूछते, वो हमको एक एपिसोड के आगे तक का देते नहीं है. कहाँ गए वो, पूछो उनसे, वो हमको एक एपिसोड मैक्सिमम. आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड, उसके आगे किसी को कुछ पता नहीं होता. सारे फैंस के लिए आई थिंक ये अवार्ड सिर्फ ये टीम अनुपमा, टीम DKP, ये सब के बिहाफ पे, मेरी फैमिली, मेरे सारे जितने भी मेरे सेट पर जो लोग हैं, ये सब के बिहाफ पे मैंने ये अवार्ड लिया है. सिर्फ आप सबकी दुआओं के वजह से, आप सबकी ब्लेसिंग्स के वजह से, आप सबके आशीर्वाद के वजह से. जस्ट बी काइंड, यही कहना चाहूँगी कि लेट्स ऑल फाइंड काइंडनेस इन आवर हार्ट्स एंड बी गुड, जस्ट बी गुड ह्यूमन बींग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू. डन, आज तक अभी ले लो फटाफट.